Hello my lovely viewers, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So today we are going to make churros. This is a very famous sweet dish and today we are going to learn every single tips to make a perfect churros. So for that, watch my video till the end without skipping. First, you can go and subscribe to my channel. So let's start. In a pan we will take water, 200 ml of water and 2 tablespoon of butter and half a teaspoon of sugar and a pinch of salt. Ab hum ise boil kar lenge. You have to boil it until your butter melts nicely. Aapko ise tab tak boil karna hai jab tak aapki butter isme acche se melt ho jati hai. After that we will add 1 cup of maida, means all purpose flour. You have to mix everything very nicely, means आपको ये सारी चीजों को अच्छे से mix करना है जब तक ये एक dough form में नहीं बन जाता. And after adding flour, you have to turn off the flame, means आपको gas बंद कर देनी है flour add करने के बाद. After that, मैंने इसे एक bowl में transfer कर लिया है. Now we have to knead it for around 5 minutes. और जब तक आपकी ये dough एक soft form में नहीं हो जाती, like I am showing you all. फिर मैंने एक पाइपिंग बैग लिए, उसमें मैंने 4 नोजल लगाकर उसे सारे डो को फिल करकर हम इसे पाइप कर लेंगे. दिस इज अ टफ वर्क. आपको थोड़ा प्रेशर लगाकर अच्छे से पाइप करना है एंड यूज डबल पाइपिंग बैग, वरना आपकी पाइपिंग बैग फट जाएगी. और अगर आप पाइपिंग बैग यूज नहीं कर रहे हो, मीन्स अगर आपके पास नहीं है, आप थोड़े से डो को लेके ऐसे रोल भी कर सकते हो. नाउ हम अपनी चुरोस को कोट करने के लिए एक कोटिंग बनाएंगे. उसके लिए मुझे एक कैसर शुगर एंड सिनेमन पाउडर. फिर मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल लिए है जो कि मीडियम हीट पर है एंड अब हम हमारे चुरोस को फ्राई कर लेंगे. आप वन बाय वन स्लोली मीडियम हीट पर अपने चुरोस को ऑयल में डाल दीजिए एंड उसे आप स्लोली स्लोली कुक कर लीजिए जब तक कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती. आपको इसे फ्लिप करते रहना है ताकि आपकी चुरोस अच्छे से फ्राई हो सके. एंड आपको एक और चीज़ माइंड में रखनी है कि आपको अपना ऑयल मीडियम हीट पर रखना है. अगर आपकी ऑयल हाई हीट पर रहेगी तो आपकी चुरोस अंदर से कुक अच्छे से नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको ऑयल को मीडियम हीट पर रखकर इसे स्लोली स्लोली कुक करना है ताकि आपकी चुरोस बाहर से अच्छे से क्रिस्पी हो सके. मैंने यहाँ पे सेकेंड बैच ऑफ द चुरोस डालकर उसे भी अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लिया. नाउ वी विल टेक सिनेमन एंड कैस्टर शुगर मिक्सचर. अब हम हमारे चुरोस को इसमें अच्छे से कोट कर लेंगे एंड दिस इज द मेन मिक्सचर जिसके कारण ये चुरोस का मेन टेस्ट आता है. एंड आफ्टर दैट हम इसे साइड रख देंगे, मीन्स आपको इसे अच्छे से कोट करके साइड रख देना है. फिर हम हमारी डिप बनाएंगे. यहाँ पे मैंने 50 ग्राम ऑफ डार्क चॉकलेट लिए एंड मैंने 6 टेबल स्पून ऑफ हॉट मिल्क ऐड किया है. एंड अब हम इसे 5 मिनट्स के लिए ऐसे छोड़ देंगे एंड अच्छे से फिर बाद में मिक्स कर लेंगे. ये लो आपकी चुरोस रेडी है. थी ना ये बिल्कुल इजी रेसिपी? सो डू ट्राई दिस एट योर होम एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू.